जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन हम आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेवन क्लास साइंस चैप्टर 17 पौधों में जनन, सही विकल्प पर निशान लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पौधों के जनन अंग है क्या है? फूल। परागण का वर्तिकार पर स्थानांतरण कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है फल में, किसमें? फल में। नर एवं मादा युग्मक का मिलान कहलाता है निषेचन, 2 नंबर होगा निषेचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 2 दे सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पादन होना यहाँ क्या बनाएगा? अलैंगिक कहलाता है। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एक लिंगी कहलाता है, यहाँ क्या भराएगा? एक लिंगी भराएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एक लिंगी क नंबर। ठीक है, ये क का है और ये ख का है। प्राग कोष से प्राग कणों का वर्तिकार प्रस्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है, क्या भराएगा? परागण। क्या भराएगा? परागण, यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज, यहाँ क्या भराएगा? युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों पर विधियों की चर्चा करें। ठीक है, पौधों के जड़, तना, पत्तियां, कली आदि कायिक पौधे के नए पौधों की उत्पत्ति होती है। कायिक भागों से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रबंधन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आलू, गन्ना, ब्रायोफाइलम, गुलाब, चमेली अलैंगिक जनन है की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। अलैंगिक जनन की विधि इस प्रकार है, लेयरिंग विधि। इस विधि में पौधों की तना को मिट्टी में दबा दिया जाता है तथा वहां पानी देते रहना चाहिए ताकि नमी बना रहे। 10 से 15 दिनों में वहां जड़े निकलने लगेंगी और उसको काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं। फिर मुकुलन होता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। जब पाव रोटी या बिस्कुट को छोड़ दिया जाए तो उसे पोषण उपलब्ध हो तो तेजी से जनन करने लगते हैं। ईस्ट कोशिकाओं से छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना करने लगता है। ठीक, संरचना कर नई कोशिकाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, 3 नंबर खंडन है। शैवाल को जब जल के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से बढ़ते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं। कुछ दिनों में ही अपने जनक के समान हो जाते हैं। बीजाणु के बारे में देखते हैं। अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव में विकसित होते हैं। मांस तथा फर्न निम्न स्तरीय पौधों में भी जनन जीवाणु द्वारा ही होता है। ठीक है, बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मनज से बीजांड से मिलते हैं। मिलन के फलस्वरूप निषेचन होता है। निषेचन के कारण युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। अंडाशय का आकार बढ़ता है और फल के रूप में विकसित होता है। निषेचन के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। समझ में आ गया होगा बीजों के बनने की लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, क्यों आवश्यक है? चलिए अगला देखते हैं। स्व परागण तथा पर परागण में अंतर बताएं। परागण का वर्तिकार तक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब परागण अपने ही फूल के वर्तिकार तक जाता है तो इसे स्व परागण कहते हैं और यदि परागणों का अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के वर्तिकार तक अपने जाति या दूसरे फूलों के वर्तिकार तक ले जाने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। समझ में आ गया होगा स्व परागण पर परागण। आगे बढ़ते हैं। बीजों के परकीकरण से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होता है चर्चा करें। अधिकांश पौधे बीजों के कारण नए पौधे उगाते हैं। ठीक है, पौधों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। एक स्थान पर ज्यादा पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं।
बीजों के दूर दूर बीजों का दूर दूर तक विभिन्न स्थान तक पहुंचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीज हवा पानी से बहकर तथा जंतुओं द्वारा बीजों की प्रकीर्णन होता है। ठीक है, सूर्यमुखी, घास, नारियल के बीज पानी में बहकर कांटेदार हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से पीपल बरगद के बीच पक्षी द्वारा प्रकीर्णन होता है। ठीक है, फूल का चित्र बनाकर उनके प्रमुख अंगों का नाम लिखना है। चलिए तो देख लेते हैं, ये है। ठीक है, फूल का चित्र है, पुंकेसर को दिखाया है, स्त्री के सर को यहाँ दिखाया है, देख सकते हैं लोग, और ये फूलों के अंग हैं। ठीक है, देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, जिन पौधों में कायिकाएं प्रवर्धन होता है उनकी सूची बनाए। पौधों का नाम, गुलाब लेयरिंग विधि से बनता है। ठीक है, गेंदा चमेली लेयरिंग विधि, गन्ना लेयरिंग विधि, ईस्ट केक डबल रोटी शैवाल, ईस्ट केक डबल रोटी मुगलन विधि द्वारा, शैवाल खंडन विधि द्वारा, मांस फर्म बीजाणु द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि पौधों के बीजों का निर्माण ना हो तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा करें। नए पौधों की वृद्धि ज्यादातर बीजों के माध्यम से होती है। यदि बीज उत्पादन नहीं होगा तो पृथ्वी पर पौधों की संख्या कम हो जाएगी, CO2 और O2 का संतुलन बिगड़ जाएगा, जंगल खत्म हो जाएंगे, पौधों की कमी मानव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होगा, गेहूं, धान, मक्का, बहुत सारे खाद्य पदार्थ का खात्मा हो जाएगा। इस तरह कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होगी। रहने देते हैं, हो सकती है, रहने देते हैं। आज इतना ही, ये चैप्टर पूरा हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को अगर नोट चाहिए तो 81 78 78 77 78 16 11 पे, 16 11 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त, प्यारे दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।